सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, कक्षा 8 मॉक टेस्ट प्रथम हम देखते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 है एवं समय जो दिया हुआ है इसका 2 घंटे दिया हुआ है और लगभग हमको एक प्रश्न में 2 मिनट का समय देना है। साथियों आज हम कक्षा 8वीं मॉक टेस्ट में येलो कोड को जानेंगे कि किस प्रश्न के लिए कौन सा येलो कोड आएगा। साथियों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। आइए साथियों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हिंदी में 1 से लेकर 15 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले एक तालिका बनी है उसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। तो इन 5ों प्रश्नों के लिए जो येलो कोड आएगा साथियों, H का मतलब यहाँ पे हिंदी और 8 का मतलब है 8वीं, तो 808, 810 एवं 816 इन्हीं येलो कोड के आधार पे आपको बच्चों की जो रणनीति फॉर्मेट भरना है उसे हम बनाएंगे। जो हम बच्चे प्रश्न गलत करेंगे उनकी हम जब रणनीति बनाएंगे तब हमें इन्हीं येलो कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6वां से लेके 10वां तक। इसमें जो येलो कोड आएगा H808, 811 एवं 812, आप इनके आधार पे जो सटीक बैठ रहा है आप येलो कोड की सहायता से बच्चों की रणनीति फॉर्मेट में बच्चों के लिए रणनीति बनाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक ये तीनों कोड का प्रयोग कर सकते हैं, 808, 811, 812। साथियों वीडियो को पूरा देखें, अगर जहाँ पे ज़रूरत हो तो वीडियो को रोक भी सकते हैं आप, तो आपको इसके संपूर्ण येलो कोड प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों प्रश्न नंबर 11 से लेके, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक। जो येलो कोड इसमें शामिल होंगे, एक यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, इन्हीं के आधार पे हमको बच्चों को आंसर ढूंढ के पूर्ण करना है। तो प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक जो येलो कोड आएंगे 808, 812 एवं 813। इसी प्रकार साथियों अब हमारा गणित का पेपर चालू होता है। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी। 16 से लेकर 30 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं वो गणित के हैं। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए यहाँ पे येलो कोड M606 आएगा। साथियों ये आपको 8वीं की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे 6वीं की जो बुक दी गई है उसमें आपको इस येलो कोड की मदद से आपको रणनीति फॉर्मेट तैयार करना है, या टीचर हैंडबुक का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 17वें प्रश्न में भी आपको M621, 6 मतलब 6वीं, तो आपको यहाँ पे मैथ्स की बुक से 6वीं की जो येलो कोड दिए हुए हैं वहाँ से आपको बनाना है। इसके बाद 18वां प्रश्न जो दिया हुआ है इसका येलो कोड 7वीं की बुक में आपको मिलेगा साथियों, 706। फिर 19वें प्रश्न के लिए येलो कोड जो आएगा M707। 20वें प्रश्न के लिए आएगा M719। 21वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड आएगा M802। 22वें प्रश्न के लिए M803। 23वें प्रश्न के लिए M812। 24वें प्रश्न के येलो कोड M802। 25वें प्रश्न के येलो कोड M705। 7 लिखा है तो आपको यहाँ पे साथियों 7वीं की बुक का ही उपयोग करना है, या टीचर हैंडबुक का प्रयोग करके आप इन येलो कोड को प्राप्त कर सकते हैं एवं रणनीति बना सकते हैं। 26वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड है 706। 27वें प्रश्न के लिए येलो कोड 806।
28वें प्रश्न के लिए येलो कोड M801, 29वें प्रश्न के लिए येलो कोड M812, 30वें प्रश्न के लिए येलो कोड जो आएगा M819। इसके बाद साथियों 31 नंबर से लेकर 45 प्रश्न तक जो प्रश्न होंगे वे विज्ञान के होंगे, इनकी भी संख्या कुल 15 होगी, इन्हें भी हम देख लेते हैं। साथियों 31वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड आएगा S मतलब यहाँ साइंस से अर्थ है इसका 802 एवं 804। 32वें नंबर के लिए 801, 33वें नंबर के लिए S 708, थोड़ा मिस्टेक हो गया था साथियों, समझ नहीं आएगा तो आप इसे S 708 समझेंगे। इसके बाद 34वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड आएगा S 802 एवं S 804। 35वें प्रश्न के लिए येलो कोड S 805। 36वें प्रश्न के लिए येलो कोड S 804। 37वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड आएगा S 807 एवं 38वें प्रश्न के लिए येलो कोड आएगा S 813। इसी प्रकार 39वें प्रश्न के लिए जो येलो कोड आएगा S 808। 40वें नंबर के प्रश्न के लिए येलो कोड S 809। 41वें नंबर के प्रश्न के लिए येलो कोड S 813। 42वें नंबर के प्रश्न के लिए येलो कोड S 804। 43वें नंबर के प्रश्न के लिए येलो कोड S 804 एवं 44 प्रश्न के लिए येलो कोड S 802। एवं विज्ञान का जो अंतिम प्रश्न होगा 45वें नंबर का, उसके लिए येलो कोड आएगा S 802। इस प्रकार हमारे विज्ञान के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होंगे। 46वें नंबर से लेकर 60 तक जो प्रश्न होंगे वे सामाजिक विज्ञान के होंगे, इनके भी येलो कोड हम जानते हैं S 802, बार S लिखा है मतलब सोशल साइंस, इसे आप ये समझें। 46वें नंबर के लिए 826, 47वें नंबर के लिए 811, इसके बाद 48वें नंबर के लिए जो आएगा येलो कोड 820, 49वें नंबर के लिए 733। इस प्रश्न का येलो कोड आपको कक्षा 7वीं की बुक से मिलेगा, 7 मतलब 7वीं है इसका अर्थ। इसके बाद 50वें नंबर के लिए येलो कोड S 805, 51वें नंबर के लिए 817, 52वें नंबर के लिए 603। इस येलो कोड को आप कक्षा 6वीं की बुक से प्राप्त करेंगे, टीचर हैंडबुक का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद देखिए साथियों 53 नंबर का जो प्रश्न होगा इसके लिए येलो कोड 725, इसे भी आप 7th क्लास की बुक से प्राप्त करेंगे। 54वें नंबर के प्रश्न के लिए येलो कोड S 827, 55वें नंबर के लिए 804, 56वें नंबर के लिए 826 एवं 57वें नंबर के लिए 818। एवं 58वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा हमारा, इसका यहाँ पे मैंने येलो कोड नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गई है, इसको भी हम बता देते हैं। इसका आएगा साथियों S 819 एवं 59वें नंबर के लिए S 801। ये अंतिम जो 60वें नंबर का प्रश्न है इसके लिए 802। इस प्रकार हम येलो कोड को प्राप्त कर सकते हैं। आप इन्हीं येलो कोड के आधार पे बच्चों का विश्लेषण प्रपत्र भरेंगे एवं रणनीति तैयार करेंगे। जो नए शिक्षक साथी हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की सभी
वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद, लाइक कीजिए।